हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राकेश, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राकेश वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे ईडीएस के सांग हो चाहे ऑनलाइन प्रोजेक्ट के डाटे हो जो मिसिंग हो जाते हैं वो किस कारण से मिसिंग होते हैं और अगर डाटा मिसिंग है तो उसको कैसे रिस्टोर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने ईडीएस को ओपन करता हूं और एक सांग ऐसा ओपन करता हूं जो कि अभी किसी तरह से मिसिंग नहीं है, उसकी सभी क्लिप अच्छी हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। तो चलिए मान लीजिए मैंने अपने डी ड्राइव में ईडीएस नाम का एक फोल्डर बनाए हैं, इसमें EDS डोंगल प्रोजेक्ट थम के बरस एक गाना है, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस सांग की कोई भी क्लिप अभी मिसिंग नहीं है, पूरी तरह ठीक है। फिर से अपने EDS को क्लोज करते हैं और चलते हैं जो सांग ओपन किया था उसी के जगह पे चलते हैं। EDS ओपन करते हैं, फिर EDS डोंगल प्रोजेक्ट थम के बरस। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस सांग का जो भी डाटा है राकेश स्टूडियो नाम की फाइल बना करके इसी में सभी डाटा को रखा है, देखिए ठीक है। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोगों से कभी कभी गलती हो जाती है, या तो ऐसे गलती होती है या तो फिर ड्राइव बदलने से गलती होती है। जैसे डी ड्राइव है तो उसको अगर ई ड्राइव कर दीजिए, आई ड्राइव कर दीजिए, कोई भी ड्राइव अगर चेंज कर दिए आप तो डाटा मिसिंग हो सकते हैं। तो चलिए राकेश स्टूडियो की जगह पर मैंने कोई दूसरा नाम लिख देते हैं। मान लीजिए राकेश स्टूडियो की जगह पर मैंने लिख दिया आर के एस स्टूडियो। अब इस सांग को मैंने फिर से ओपन करते हैं। EDS में गया, EDS डोंगल प्रोजेक्ट थम के बरस सांग को मैंने फिर से ओपन किया। अब देखिए फ्रेंड कि वहां राकेश स्टूडियो की जगह पर मैंने RKS स्टूडियो नाम डाल दिया तो सारी फाइलें मिसिंग हो गई। तो अब क्या करना है कि इसको रिस्टोर कैसे करें। अगर मैंने राकेश स्टूडियो की जगह पर जो मैंने RKS स्टूडियो लिखा है उसको अगर फिर से राकेश स्टूडियो कर दें तो फाइलें रिस्टोर हो जाएंगी, लेकिन मैंने उसको वैसे ही रख के देना चाहता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिस्टोर होंगी। तो आपको सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 40 फाइलें इसकी मिस हुई हैं। तो यही इसी एरो पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आ करके आपको किसी भी फाइल पर सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ये बटन प्रेस करना है और इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा रीलिंक सिलेक्ट फोल्डर, रीलिंक सिलेक्ट फोल्डर पर आपको क्लिक करना है और आपको जहाँ आप रिनेम किए हैं जिस फाइल को उसी जगह पे जाना है। तो मैंने अपने डी ड्राइव में EDS डोंगल प्रोजेक्ट थम के बरस इसको मैंने राकेश स्टूडियो की जगह पर RK स्टूडियो कर दिया हूँ। तो और कुछ नहीं करना है आपको, RK स्टूडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे देखेंगे आप सिलेक्ट फोल्डर है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड, आपकी सभी फाइलें रिस्टोर हो गई।
ये तो आप फाइल जान रहे हैं कि यही जगह पे है, अगर नहीं जान रहे हैं, दूसरे का डाटा खरीदे हुए हैं, दूसरे का डाटा आप चला रहे हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पे ये फाइलें हैं, कहाँ से हम रिस्टोर करें, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका, किसी भी क्लिप पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पर फाइल इन्फो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। आप देख लीजिए कि मैंने डी ड्राइव में EDS नाम की फाइल बनाया हूँ, फिर EDS डोंगल प्रोजेक्ट के नाम से, फिर थंब के ब्रश शांग के नाम से वहाँ पर मैंने डाटा रखा हूँ। तो इसी तरह से आप फाइल का लोकेशन ढूंढ करके आप अपनी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना।